बहुत पसंद आया था जब ये फिल्म, जब ये एक रीमेक पिक्चर है, ऑब्वियसली जब अमित को हमने साइन किया, वी वांटेड टू डू द चेंजेस, अ लॉट ऑफ चेंजेस टू द फिल्म, वी हैड टू मेक इट मोर ऑफ टुडे. और अमित, इसलिए अमित को साइन किया क्योंकि अमित एक नया डायरेक्टर है, एक्ट फिल्म का डायरेक्टर है. उसने हमें 10 सीन सुनाए अपने वे में प्रेजेंट करके, और जैसे उसने प्रेजेंटेशन दी उस 10 सीन की, हमें बहुत पसंद आए. एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट नरेशन मेरे घर पे हुई थी, वेयर देयर वाज अर्जुन, बोनी वाज देयर, माई सेल्फ, एंड वी ऑल लव्ड द सीन्स, एंड वी जस्ट टोल्ड हिम टू राइट द स्क्रिप्ट. इट टुक अबाउट 3 to 4 months विद द राइटर शांतनु, हुज डन अ ट्रेमेंडस जॉब. एंड बस जनवरी 2014 वी स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म, और 9 जनवरी को अब पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी 2015 के. एक्शन का ये सोचा था कि क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ी हुई पिक्चर है तो एक्शन बहुत रियल होना चाहिए, तो इसमें बहुत कम, अगर आप देखोगे एक्शन, इसमें रियल एक्शन लगता है. जैसे एक छोटे से शहर में अगर कोई झगड़ा करेगा तो किस टाइप का एक्शन होगा, इसमें ये नहीं है कि कोई उड़ के जा रहा है या 10-10 फुट दूर गिर रहा है. इट्स मोर रियल एक्शन. और अर्जुन का जो खास बात अर्जुन की है, एक्टर तो अच्छा ही है, पर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो स्ट्रक्चर है और जो उसका जो हाइट है, वो बिलीवेबल लगता है जब एक्शन करता है. वो लगता है कि ये अपने और अपनी ख़ानदान और अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख सकता है. तो दैट्स वॉट इज़ लुकिंग गुड इन एक्शन, आई थिंक. सो मोर देन द एक्शन, इट इज़ द वे इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द फिल्म, द वे अर्जुन हैज़ बीन प्रेजेंटेड डूइंग द एक्शन, आई थिंक सो दैट इज़ रियली गुड. अर्जुन तो हमेशा इस पिक्चर में था ही, अर्जुन के बिना तेवर शुरू नहीं होती. पर जब हमने इस उसके साथ जो ऑपोजिट लड़की के बारे में सोचा, यही लगा कि सोनाक्षी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, कभी अर्जुन के साथ आई नहीं है. और सोनाक्षी अगर फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, बट शी इज़ नेवर वर्कड विद हर ओन एज ब्रैकेट, शी इज़ ऑलवेज वर्क विद मच एल्डरली हीरोज हु आर सुपर स्टार्स इन देयर, यू नो, दे बीन अराउंड फॉर 20 years. But she is a very young girl. She's never really come in a big film with a young hero. तो इसलिए लगा, इसलिए जो लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है और लोगों को सोनाक्षी इतनी पसंद आ रही है इस पिक्चर में, क्योंकि पहली बार सोनाक्षी को आप एक यंग हीरो के साथ देख रहे हो, तो वो लगता है बिलीवेबल लगता है, ऐसे लगता है कि ये वाकई एक लव स्टोरी है, एक लगता है कि एक हीरो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है. एंड जहाँ तक मनोज का ख्याल है, मनोज को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, हमने 2 फिल्में एज एन एक्टर की हुई है. डायरेक्टर इज़ वेरी कीन कि मनोज इस फिल्म में रहे, और मनोज के आने से हमेशा एक फिल्म को एक वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि मनोज इज़ ऑलवेज, ही डज कमर्शियल फिल्म, बट ही हैज़ बीन ऑलवेज एसोसिएटेड विद गुड मीनिंगफुल फिल्म्स. तो तेवर हैज़ गॉट अ ग्रेट बैलेंस ऑफ कमर्शियलिज्म एज वेल एज एस्थेटिक्स एंड मीनिंगफुल सिनेमा. सो द एक्टर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू तेवर.